Hello everyone, a very good evening and very welcome to the session. Myself Gulshan Akhtar and aaj ke session mein today we are going to discuss something very important. What is that? Aaj hum discuss karne ja rahe hain strategies to crack UGC NET in 6 months. Yes, so exams is finally over. Hamara UGC NET 2021 ka exam over ho gaya hai. Now 2022 ka exam will be held by July. Aapko malum hai July mein aapka 2022 ka UGC NET exam hoga. But yes. क्या करें इस बार कि हमारा नेट और जेआरएफ मिस ना हो, क्या करें हम कि हम एक बार में नेट और जेआरएफ क्रैक कर लें. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन टुडेज सेशन, व्हिच इज स्ट्रेटजी टू क्रैक यूजीसी नेट इन 6 months, राइट. सो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए, दोज हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर नेट एंड जेआरएफ दिस टाइम इन 2022, ऑल ऑफ यू. सो यस, कम क्विकली ज्वाइन द सेशन, जल्दी जल्दी से मुझे ज्वाइन करके बता दो. वीवीपी बिल्कुल क्लियर है, वॉइस वीडियो पीपीटी इज फाइन एंड यू ऑल आर रेडी. एक बार जल्दी से कमेंट में हाय हेलो लिख के बता दें आप सबने ज्वाइन कर लिया है. ऑल द थ्री थिंग्स आर फाइन एंड वी कैन स्टार्ट अवर क्लास. ओके, वेरी वेलकम एवरी वन, वेरी गुड इवनिंग. सो जल्दी जल्दी से आ जाओ, बता दो मुझे आप सब आ गए हो, तभी हम इस सेशन को शुरू करेंगे. जब सब कुछ आप सब आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, तभी हम इस सेशन को शुरू करेंगे. जब एक बार आप कंफर्मेशन दे दोगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी. लंबा नहीं होगा ये सेशन, 10 से 15 मिनट का क्लास होगा. सो आपको एंड तक देखना है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज बेनिफिशियल सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू क्रैक दिस यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिस टाइम. All fine, ठीक है. Very good evening, very welcome all of you to the class. So yes, I'm here again ताकि मैं शुरू से आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ रह सकूं, आपको आपके गाइड आपके मेंटोर का काम कर सकूं एंड आपको बता सकूं कि क्या कर सकते हो कि इसी बार नेट और जेआरएफ क्रैक हो जाए. किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. जिनको आप ध्यान रख लोगे तो ज़रूर इस बार आपका नेट एंड जेआरएफ क्रैक होगा, ठीक है. सो यस, all of you once again very welcome to the session. So let's get started. Class को start करते हैं and as you all know when to apply, देखो forms जब आएंगे तो हम आपको inform कर देंगे, तो आपको उसके लिए नहीं परेशान होना कि आपको apply कब करना है. फॉर्म्स जैसे ही आउट होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो आपको अभी इस वक्त कर लेना है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है. चलो नाउ अभी हम बात करते हैं, तो 2021 का एग्जाम ओवर हो गया है एंड नेक्स्ट जो आपका नेट और जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है दैट विल बी कंडक्टेड प्रोबेबली इन जून, सॉरी जुलाई 2020. अगला एग्जाम प्रोबेबली जुलाई 2022 में आपका होगा. दैट मींस आपके पास 5 से 6 महीने रह रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है. अब इस 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. सारे के सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे, एवरीवन डेडिकेटेडली तैयारी करोगे, आई कैन गारंटी नेट और जेआरएफ निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा बिल्कुल. इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है, एज वेल एज कुछ चीजें हैं जो हमें दिमाग में रख के ही प्रिपरेशन करनी है, तभी एक राइट स्ट्रैटेजी से हमारा नेट और जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, ठीक है. सो यस एवरीवन, रिजल्ट्स कब तक आने के चांसेस हैं ये सब कुछ एंड ऑफ द सेशन में डिस्कस कर लेंगे. अभी लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हैं दैट यू ऑल नीड टू फॉलो. 8 पॉइंट्स आप सबको फॉलो करने हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है दैट यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल. आपको अपनी टाइम टेबल बनानी है, बिना टाइम टेबल के बिना स्ट्रैटेजी के आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती. तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना दैट यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल एंड यू हैव टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली. टाइम टेबल के बिना प्रिपरेशन नहीं हो सकती, उसी तरह से उसको फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है बनाना. ये नहीं कि बना लिया छोड़ दिया, टाइम टेबल बनाओ फॉलो करो एंड प्लीज बी ट्रू कि आप कितना टाइम दे सकते हो, कब टाइम दे सकते हो. दूसरों का देख के टाइम टेबल मत बनाना. बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम एक टाइम टेबल बना के दे दो हमें कि हम उसको फॉलो कर ले. मैं
कोई और आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। जैसे मैं जब तैयारी करती थी, मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता था रात को पढ़ना, मुझे सुबह पढ़ाई नहीं होती थी एकदम सुबह सुबह, तो मेरा टाइम रहता था हमेशा कि मैं जो इवनिंग का टाइम है, नाइट का टाइम है, वो दूं अपने पढ़ाई को। तो आपको भी इसी तरह देखना है कब आप इस टाइम किस टाइम पे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्राइवेट जॉब होल्डर्स अगेन जॉब करते हो, बेस्ट टाइम है रात को पढ़ो। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे टाइम ही नहीं है, मैं कब पढ़ूं। तो आप बहाने ढूंढोगे तो बहाने मिलेंगे, आपको टाइम निकालना है। तो प्लीज मेक श्योर कि टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। अब टाइम टेबल जब बनाना तो ध्यान रखना 30% टाइम आपको जितना भी टाइम दे रहे हो उसका 30% पेपर वन को एंड 70% देना है पेपर टू को, ठीक है? आप जितना भी टाइम दोगे उसका 30% पेपर वन, 70% पेपर टू। क्यों? क्योंकि पेपर वन का जो पोर्शन है आपका, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर टू में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो पेपर टू को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है? नाउ ये चीज स्टूडेंट्स लास्ट में करते हैं, जो कि आपको पहले से करनी है, शुरू से करनी है, जो है प्रीवियस या पेपर्स को प्रैक्टिस करना। क्यों? ताकि आपको पैटर्न पता लगे, आपको पता लगे जब आप पढ़ रहे हो तो किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पैटर्न नहीं पता होता, हमें क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं वो नहीं पता होता, हम पढ़ सब कुछ लेते हैं, फिर बाद में जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमें लगता है हो ही नहीं रहा है। तो आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चंस देखते हुए चलना है, प्रीवियस या पेपर्स को देखते हुए चलना है, ताकि पैटर्न पता हो, आप बिल्कुल पता हो आपको कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब आप प्रीवियस या पेपर्स प्रैक्टिस करते हो तो आपको इस एग्जाम के पैटर्न, उस एग्जाम के बारे में आप ज्यादा समझने लग जाते हो, राइट? नाउ रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ते भी हैं, जब आप अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे विच इज पार्ट ऑफ योर पेपर वन, उसके अंदर टीचिंग का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। तो बिना रिविजन के हम कोई भी चीज उसको कॉन्क्रीट नहीं कर सकते, 5-6 महीने तक हम उसको याद ही नहीं रख सकते जब तक कि हम रिवाइज नहीं करेंगे। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो वो किसी फायदे का नहीं होगा एंड में, क्योंकि आप भूल जाओगे। इसलिए मेक श्योर कि अपने टाइम टेबल में रिविजन का टाइम भी डालो। डेली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वीकली रिवाइज करो, लेकिन रिविजन करना है। संडेज रख लो आप, संडे को, वीकेंड्स में आप रिवाइज करो, बट प्लीज मेक श्योर कि जितना भी पूरे हफ्ते पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लो। अब जब आप रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी बुक्स, पूरी की पूरी नोट्स आप नहीं रिवाइज कर सकते, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने लोगो। अभी हम नोट्स के ऊपर भी आएंगे, हम नोट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यस, मेक श्योर दैट यू मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ योर वॉट एवर यू आर स्टडिंग। कौन सी बुक लेनी है इसके ऊपर भी अभी हम आएंगे। मैं सारी चीजें आज की क्लास में आपको स्ट्रेटजी है तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स को मैं लूंगी, राइट? नाउ स्टडी द टॉपिक जिसके ऊपर आपको ऑलरेडी कमांड हो, पेपर टू के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि पेपर वन हमारा कुछ ऐसा है कि हमने कभी नहीं पढ़ा है, उसमें टीचिंग है, रिसर्च है, मतलब हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्पेशली उन्होंने जिनका बीएड होगा, जिन्होंने एमए एजुकेशन में किया होगा, उन्होंने टीचिंग पढ़ा होगा। बट जितना भी आपका पेपर वन है वो जनरल सब्जेक्ट है, तो इतना हमने पढ़ा नहीं है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। बट यस, पेपर टू में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं जिन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, उनको आप पहले पढ़ लो और उनके एक शॉर्ट नोट्स बना के आप उनको साइड कर दो। फिर लास्ट में आपको बस जुलाई आने में आपको बस अपने नोट्स को एक बार देखना होगा एंड इट विल बी डन। आपके दिमाग से भी वो प्रेशर निकल जाएगा कि भी पूरा पेपर टू पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पढ़ लो, रिवाइज करो, साइड कर दो, राइट? एंड ऑल्सो वेन यू हैव बिकम थॉरो विथ योर सिलेबस, आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को लर्न करना है। सिलेबस लर्न क्यों करना है? ऑब्वियसली आपको लगेगा इतना कुछ तो पढ़ना है ही, और फिर सिलेबस भी लर्न करें। देखो सिलेबस बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए ताकि कुछ भी आप नया देख रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको मालूम चल जाए ये किस यूनिट का क्वेश्चन है, ये कहाँ का है, मुझे कहाँ पर अभी और पढ़ना है। तो हमेशा प्लीज मेक श्योर कि आप अपने थॉरो हो जाओ विद द सिलेबस। डू 1 आवर एनालिसिस इन द लास्ट 1 मंथ, तो ये जून में करना है आपको, ठीक है? जुलाई में अगर पेपर है तो जून में आपको 1 मंथ एनालिसिस करनी है, मॉक टेस्ट करना है, जिससे कि आपको पता लग जाए सब्जेक्ट के किस किस पोर्शन में मेरी पूरी अच्छे से तैयारी हो गई है, किस पोर्शन में अभी तैयारी और करनी है, ठीक है? कितने घंटे पढ़ाई करूं, टाइम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो कितने घंटे आप पढ़ाई करो, कम से कम 4 घंटे तो आपको देने हैं अपने, ठीक है?
कम से कम, अब जितना ज्यादा दे सकते हो वो तो आपके लिए बेनिफिट है, वो तो है ही, लेकिन 4 घंटे आपको निकालने हैं। 30% उस टाइम का आपको देना है पेपर वन को और 70% अपने टाइम का देना है पेपर टू को, ठीक है। सो यस, वो 8 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं, जैसा कि मैंने बोला, कुछ 8 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एंड वो 8 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले नोट्स बनाना। तब अब यहाँ पर बात आती है कौन सी बुक से पढ़ें। तो पेपर वन के लिए कोई एक फिक्स बुक नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर वन के 10 यूनिट्स हैं और 10 अलग अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी आपको अगर आप ले रहे हो तो। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आप कोई बुक्स लो, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू यूट्यूब वीडियोज, आप उन वीडियोज से देख के पढ़ो, एज वेल एज आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर वी आर गिविंग यू नोट्स, क्योंकि एक कोई बुक नहीं है जहां से आपको पूरा पेपर वन का मटेरियल मिल जाएगा। अगेन आई वुड से, ठीक है कि गाइड्स मत फॉलो करना, विथ माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग यू, गाइड्स मत फॉलो करना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है बहुत नैरो होती है, आंसर ज़्यादातर गाइड्स के गलत दिए होते हैं, फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये दिया हुआ है, हमने तो ये पढ़ा हुआ था। तो अभी से आदत डाल लो कि गाइड नहीं पढ़ना है, वो गाइडेंस दे सकते हैं बट हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो इसलिए आप किसी एक मेंटोर को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे कोर्सेज ज्वाइन कर लो अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है तो, एंड आप अपने खुद के नोट्स बनाओ वीडियोस देख के। नेट पे बहुत मटेरियल्स अवेलेबल हैं, सर्च करो, नोट्स निकालो, बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, एंड नोट्स को बुलेटेड पॉइंट्स बनाना। पॉइंट्स में बनाना क्यों? इसलिए ताकि रिविजन करने में आसानी हो। पूरे पूरे बड़े बड़े कहानियां लिख दोगे, फिर रिविजन में प्रॉब्लम होती है, फिर हमारा मन भी नहीं करता, कई बार ऐसा होता है कि क्या इतना हम पढ़े। जब पॉइंट्स पे होंगे तो बस एक नजर डालोगे और पूरा रिविजन हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड द फर्स्ट फोर मोस्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अभी हमारे पास टाइम है, 6 महीने का टाइम है, तो नोट्स खुद के बनाओ। पेपर वन वीडियो देखो, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, 2 टीचर को फॉलो कर लो, उनके वीडियोज देखो, ठीक है। पेपर टू के लिए तो आपके पास इनफ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स उठाओ। मैंने जब पढ़ा था, मैंने पेपर टू की खुद की अपनी बुक्स पढ़ी थी, सिर्फ अपनी बुक्स पढ़ी थी कॉमर्स की। इवन क्लास 11th की बुक्स में भी मटेरियल मिल गया था कॉमर्स का, क्लास 12th में भी कॉमर्स का मटेरियल मिल गया था, फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मटेरियल्स तो थे ही। तो पेपर टू खुद की बुक्स, एंड पेपर वन वीडियोज देखो, ऑनलाइन मटीरियल्स लो, इफ यू कैन ज्वाइन कोर्सेज तो कोर्सेज ज्वाइन करो, क्योंकि वहां तो आपको फिर इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे मटीरियल्स मिल गए, आपको सिर्फ पढ़ना है उसमें से। आई एम इन कॉलेज नाउ, फाइनल सेमेस्टर, विच टाइम विल बी बेटर फॉर मी? देखो अगेन ये चीज आपको खुद से पूछनी है कि आपके लिए कौन सा टाइम बेटर होगा। ऑब्वियसली जो लोग कॉलेज जा रहे हैं, जो लोग की जॉब्स है, वो दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप अगर आपको सुबह का टाइम सूटेबल लगता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ, पढ़ाई करो। रात का टाइम सूटेबल लगता है मेरे तरह तो रात में पढ़ाई करो। तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप किस वक्त पढ़ सकते हो। आपको टाइम तो निकालना होगा, मेहनत तो आपको करनी होगी, राइट। और एक बार जब पढ़ाई में लग जाओ, जब पढ़ाई करने लगो तो मजा भी आने लगता है। तो देख लो कि कौन से टाइम पे आप ज्यादा इंजॉय करके पढ़ सकते हो, वो टाइम आप अपना डेडिकेट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोकस। सो एक मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक डाउट आया था। डाउट क्या था, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताए मैं कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँ। द आंसर इज, हमेशा पहले आप ये सोच लो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ नेट जेआरएफ। ऑब्वियसली नेट जेआरएफ यूं ही तो आपको नहीं करना है, आपको नेट जेआरएफ करना है, कुछ तो गोल होगा, टीचर बनना है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ गोल, क्यों करना है नेट जेआरएफ, और नेट जेआरएफ के बाद आपने गोल जब सोच लिया है ना, एक बात और ध्यान रखना कि इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, सीरियसली इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। कि नेट जेआरएफ कर लोगे तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में, इसको सोच के अपने दिमाग में पूरा एक सेटअप कर लो कि मुझे क्यों करना है, देन उस पे फोकस करो, मेहनत करो, क्योंकि आप ही को आपके लिए मेहनत करनी है, कोई और आपके लिए आके करेगा नहीं। फोकस करो, जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं 6 महीने के लिए छोड़ दो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस ये फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। ओके, नाउ प्रैक्टिस। ऑब्वियसली हमने नोट्स बनाए हैं, हम फोकस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मत छोड़ना हमेशा। एनी सजेशन फॉर बिगनर्स, दीज आर द सजेशंस फॉर बिगनर्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू।
ये सारे आप ही के लिए हैं, बिगनर्स के लिए ही हैं। अब आपको जब पढ़ाई करनी है तो ये नहीं कि सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिस भी करते चलना है ताकि आप खुद को इवैल्यूएट करते चलो क्या अच्छे से हो रही है मेरी तैयारी, कहाँ कमी रह जा रही है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका फिर एक समझ आने लगेगा कि कहाँ पर अभी क्या बचा रह गया है, कहाँ मेरी कमी हो रही है, अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस DI है आपका, मैथ्स है एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। क्योंकि अभी 5-6 महीने हैं आपके एग्जाम में, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए वीक में 2 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो, इनफ होगा। 2-3 कर सकते हो तो आप 2-3 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, लेकिन छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल एज दी कॉम्प्रिहेंशन DI न्यूमेरिकल क्वेश्चन। YouTube वीडियो से पूरा पेपर वन देखो, आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा मटेरियल्स, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी की पूरी चीजें आपको डेप्थ में YouTube पे उतने अच्छे से तो नहीं मिल पाएगी जितना अच्छे से आप कोर्स ज्वाइन करोगे। क्यों? क्योंकि कोर्स में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। YouTube में तो आज आपने कुछ पढ़ा, कल कुछ और पढ़ोगे, परसों कुछ और पढ़ लोगे, तो आपको समथिंग ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगा। बट ये स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हो तो ऑब्वियसली कोर्स वुड बी बेटर। ये मेरा सजेशन है, काम आपको खुद करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। चलो, फर्स्ट सेमेस्टर MA स्टूडेंट्स, देखो जिसको भी गाइडेंस चाहिए ना, यही है गाइडेंस। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि करना कैसे है, फिर अब समझ लो इसको और इसके ऊपर आप मेहनत करो, ठीक है। चलो, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? ऐप पे मिल जाएंगे हमारे, बायजूस एग्जाम प्रेप। प्लीज जाओ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में आपको एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं करना होता है। तो जब आप अपने आप को उस टाइम प्रेशर के अंदर रख के सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो आपको पता लगेगा आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्या गलतियां हो रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब आपका एग्जाम हो गया है तो ऑनलाइन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने की। जब ये सब शुरू से करते रहोगे तो लास्ट डे आप, जो बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, लास्ट डे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत से एक स्टूडेंट हमने एक्सपीरियंस किया इस बार कि उनसे कुछ तो मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने क्वेश्चंस मार्क करे थे बट UGC में वो क्वेश्चंस मार्क नहीं दिखा रहे, वो क्वेश्चंस दिखा रहे कि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो कुछ इस तरह की गलतियां हमसे हो जाती हैं। अब आई डोंट नो कि वो उस उन स्टूडेंट से हुआ था या वो टेक्निकल एरर था, जो भी, बट इट वॉज समथिंग कि हम अगर हम इस तरह की चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पहले से प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करते रहो, आपको एक आप फील भी आ जाएगी किस तरह से एग्जाम्स देने हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गिविंग मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट करना है। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए जितने स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो देखो 6 घंटे स्टडी के लिए निकाल लो, और कम कर सकते हो 4 घंटे, तो प्लीज आपको स्टडी के लिए डेडिकेटेड टाइम देना होगा विद अ टाइम टेबल, तो मैनेज करो अपना टाइम। अपने बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए 18 घंटे निकाल दो, 6 घंटे पढ़ाई के लिए तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप टाइम निकालो पढ़ाई के लिए। हाउ टू स्टडी फॉर नेट, देखो BEd कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, BEd में आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूरा कवर हो गया, BEd में आप रिसर्च भी पढ़ते हो थोड़ा बहुत, वो भी आपका कवर हो गया, हायर एजुकेशन आपको BEd में मिल जाएगा, एनवायरमेंट आप पढ़ते हो BEd में, आपको क्या चाहिए, पेपर वन के 4 यूनिट्स तो आपके हो गए, BEd कर रहे हो पेपर 2 भी काफी कुछ उसमें आपका कवर हो रहा है, एजुकेशन से दोगे काफी कुछ उसमें कवर हो रहा है पेपर 2 में, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। आप अभी से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो देखो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको लगता है मैं कैसे टाइम दूं, बट मैं कहूंगी उनके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट से जुड़े हैं, उनका सब्जेक्ट छूटा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट टाइम है यही, इसी टाइम जब हमारी पढ़ाई काफी छूट जाती है ना पहले से, तो फिर हमारे लिए फिर से स्टार्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है ऑलरेडी, उनके लिए बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हैव अ मेंटोर। एज आई सेड यू, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, किसी दो टीचर को फॉलो कर लो, एंड आप उनकी वीडियोस देखो, हैव समवन कि वो आपको गाइड करें। अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपका, कोई भी जो फ्रेंड हो, कोई एक भैया हो, दीदी हो, जिन्होंने नेट क्लियर किया हो, प्लीज उनसे गाइडेंस लो, उनसे पूछो आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी, क्या आपसे गलती हुई थी, क्या आप बोलोगे कि करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है।
बिना गाइडेंस के प्रिपरेशन करना, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करने में बहुत अंतर होता है। आप खुद गलती करके सीखोगे, कई अटेम्प्ट्स लगेंगे। जिसने खुद गलती कर ली, आप उससे गाइडेंस ले लोगे तो आपको ये पता हो जाएगा एटलीस्ट करना क्या नहीं है और क्या क्या करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोच करोगे तो आपको और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे कि आई एम हियर, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ क्या नहीं करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास पढ़ाई में डाल दो। ये बेस्ट है कि आप नेट जेआरएफ क्रैक कर लो, बिकॉज डेफिनेटली आपकी लाइफ इससे चेंज होने वाली है। और क्या क्या करना है, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ये करना है। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, हमेशा देखो किस तरह के पेपर्स आते हैं। और जब प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली एक आंसर करेक्ट होगा, लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस भी क्या हैं उसको इस तरह से पढ़ो। प्रीवियस ईयर पेपर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं हमेशा, कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, देन उसका जो भी आंसर है ठीक है, बाकी तीन ऑप्शंस क्या हैं, आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अंदर से ही वो तीन ऑप्शंस भी निकाल के दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस को भी एक बार जरूर देखना, उन ऑप्शंस को पढ़ना। मैं कैसे करती थी प्रीवियस या पेपर, तो मैंने प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे प्रीवियस क्वेश्चंस के, जो मेरे पास ऑलरेडी कहीं से मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, तो मैं उसको वीक में 2 बार 3 बार पेपर्स लेके बैठती थी, उन ऑप्शंस को पढ़ती थी। ठीक है, एक तो करेक्ट आंसर हो गया, वो तो हो ही गया, बाकी जितने ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देखा, वही छोटा छोटा सा उसके आगे लिख लिया कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। तो काफी देखो आप डिटेल में स्टडी हो रही है, आप सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हो, मतलब आपकी चार टॉपिक्स रिवाइज हो रही हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से करो, ठीक है। मेक श्योर यू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर एंड फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सेक्शंस। अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करो, ऐसा नहीं करना है कि पहले जो नहीं आता है उसको पढ़ लिया, जो आता है उसको इग्नोर करते गए। हमेशा जो आता है उसको करके, नोट्स बना के साइड करके बाकी चीजें फिर करो। ठीक है, सो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मैं एक बार और रिपीट करूंगी उनके लिए जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है, या एक बार फिर से सबके लिए कि क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले सिलेबस, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है। सेकंड थिंग, अलोंग विद सिलेबस आप एक एक यूनिट उठाओ पेपर 1 की एंड नोट्स बनाओ, डिटेल में करो। जब आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप उसके प्रीवियस या पेपर्स भी सॉल्व करते चलो उस यूनिट के जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो प्रीवियस या पेपर्स प्रैक्टिस करो, देखते चलो कि क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, राइट। तो मेक श्योर नोट्स बनाओ, प्रीवियस या पेपर्स सॉल्व करो, ठीक है, रिवाइज करते चलो। दैट्स इट, इतना करोगे डेफिनेटली क्रैक होगा। फिर कोई और गाइडेंस चाहिए तो हम तो है ही यहाँ पे, राइट। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द डाउट्स। आर देर एनी क्लासेस फॉर होम साइंस? आप चेक कर सकते हो हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप को डाउनलोड करके, वहां पे आपको सारे जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सब आपको समझ आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से नहीं है। प्लीज इलैबोरेट ऑन चेंजिंग क्वेश्चंस पैटर्न ऑफ पेपर 1। यस, अगर हम बात करें किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में पूछे गए थे, 2021 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, 2022 के क्वेश्चंस कैसे, सॉरी 2021 और 2020 के क्वेश्चंस के बीच में मैं कॉन्ट्रास्ट करके सेशन जरूर लेके आऊंगी। वो इट इज प्लान्ड, इट इज लाइंड अप, सब कुछ आगे आने वाला है। तो आपको बस यूट्यूब वीडियो हमारी सब्सक्राइब, सॉरी यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखना है, आगे सारे जो भी इंफॉर्मेशन है ना नोटिफिकेशन से मिलते रहेंगे आपको। तो इस तरह के सेशन हम जरूर लेंगे कि क्या आपके क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, 2020 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रही बात क्वेश्चंस टफ आए थे, देखो इतना टफ नहीं आया था, क्वेश्चंस क्या था, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी थी। उन पेपर्स को भी मैं लूंगी यूट्यूब के ऊपर, मैं उन पेपर्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगेगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो कमिंग वीक है फेब्रवरी का, फेब्रवरी 2021 का, सॉरी 2022 का, मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं डिस्कस करूंगी अबाउट ऑल द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट, ताकि आपको एक समझ लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस आपसे अलग अलग यूनिट से पूछे जा रहे हैं।
कैन आई स्कोर फुल मार्क्स इन रिसर्च टीचिंग? डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो टीचिंग रिसर्च में. कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी में फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते. ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं. करेक्ट आंसर है तो फुल मार्क्स ही मिलेंगे. उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो. एंड मैं कहूंगी टीचिंग रिसर्च बिल्कुल टफ नहीं है, बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट है. एंड बिल्कुल अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके ऐसे सोचोगे ना ये तो टफ है, वो टफ ही रहेगा आपके लिए. आप सोचोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली इट इज. रिसर्च टीचिंग इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने तो फिर देखो आपको कितना मजा आएगा उसको करने में. यस, सो बिल्कुल इसी तरह से आप मेरे क्लासेस अटेंड करते रहो. गाइडेंस मैं देती रहूंगी. आप जल्दी से, मेरे क्लासेस कब होते हैं? तो मेरे क्लासेस होते हैं यूट्यूब के ऊपर सुबह के 10 बजे. टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 यूनिट्स मैं लेती हूँ यूट्यूब के ऊपर सुबह 10 बजे, ट्यूजडे एंड थर्सडे. तो मुझे लाइव ज्वाइन करना, जहाँ पर हम अलग अलग जो हमारे 4 यूनिट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड एंड आपको पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे एक्सपेक्टेड हैं. सो प्रैक्टिस होगी. फर्स्ट टाइम जिनका है, देखो अगर हम बात करें जिनका भी फर्स्ट टाइम है ना एग्जाम का या फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्लीज आपको ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है. अभी से अगर आप प्रीवियस या पेपर्स देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न पता लगा लो, नोट्स पढ़ने लगो, आप जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है अपना पेपर 2 रिवाइज करने लगो, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा. फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में नहीं होता नेट. बहुत से लोगों के दिमाग में मिथ होती है पहली बार है तो होगा नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट है एग्जाम, तब भी क्लियर हो सकता है अगर आप इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करोगे. ठीक है, यस. सो एवरीवन चले फिर. एक यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करें पेपर 2 की? एक यूनिट मैंने, क्योंकि जो यूनिट्स आपके ऑलरेडी आते हैं, आपको मान लो HRM आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको आप 4-5 दिन में कर सकते हो. जो यूनिट्स आपको नहीं आती उसको ज्यादा टाइम दे दो. अभी तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, 6 महीने हैं. तो आप इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करो कि अच्छा मुझे ये यूनिट आती है, इसको मैं 4 से 5 दिन में कवर कर लूंगी. ये यूनिट मुझे अभी नहीं आती तो मैं इसको 10 दिन दे दूंगी. तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करो. डेफिनेटली आप ही जानते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा किस यूनिट में. ठीक है, और यस डेप्थ में पढ़ना है सब कुछ और पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके करना है. ओके, सो मैं क्वेश्चंस जरूर लूंगी आपके अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग डेज के, और सारे क्वेश्चंस हम यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना. ठीक है, चले. ट्यूसडे एंड थर्सडे यस सुबह 10 बजे ऑन यूट्यूब. इट विल बी कम्प्लीटली फ्री, प्लीज जरूर आना, सो दैट वी कैन अटेंड द क्लासेस लाइव, वी कैन हैव इंटरक्शन. और जो भी आपके क्वेरीज, जो भी आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, मैं उसमें भी आपको गाइड कर सकूँ. इसलिए आपको लाइव आके मिलना जरूरी है यूट्यूब पे ट्यूजडे एंड थर्सडे सुबह के 10 बजे. चलो, थैंक यू सो मच एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ एंड बाय.